वेलकम बैक यूएमबी न्यूज देख रहे हैं आप। चलिए जानते हैं देश भर के मौसम का हाल। इन इलाकों में आज भारी बारिश और तेज हवाओं चलने का अलर्ट। मौसम विभाग ने आज कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अभी ठंड का मौसम बना रहेगा, हालांकि धूप भी खिली रहेगी। उत्तर भारत में नए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से इन दिनों पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम नरम गरम बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में बिजली गिरने और गरज के साथ बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हिमपात की आशंका जताई है। आज कश्मीर की घाटी के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश और बर्फबारी होने की भी आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक ईरान के रास्ते भारत में प्रवेश करने वाला पश्चिमी विक्षोभ अब उत्तर भारत के ऊपर से गुजर रहा है। इसके प्रभाव के चलते समुद्री इलाकों में चक्रवाती दबाव बना हुआ है, जिसके कारण समुद्र से सटे देश के कई इलाकों में 120 मील समुद्री जेट स्ट्रीम हवाएं चल रही हैं। इस दौरान उत्तरी पंजाब में हल्की बारिश हो सकती है। प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक आज सिक्किम और असम में हल्की बारिश संभव है। राजस्थान के पश्चिमी भागों में धूल भरी तेज पछुआ हवाएं चल सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में आज हल्की बारिश या हिमपात संभव है। एजेंसी के मुताबिक आज और कल उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में न्यूनतम अधिकतम तापमान बढ़ सकता है। इसके बाद इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाएगी। ऊंचे इलाकों में आज बर्फबारी का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और गुलमर्ग समेत उत्तरी कश्मीर और अन्य पर्यटन स्थलों में बारिश और बर्फबारी शुरू हो चुकी है। आज ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी का संभावना है। साथ ही प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश और हिमपात के साथ साथ बादल छाए रहेंगे। इसके बाद एक सप्ताह तक मौसम शुष्क बना रह सकता है। मौसम विभाग ने हिमस्खलन आशंका के देखते हुए ऊंचाई वाले रहने वाले लोगों को सतर्क रहने का आग्रह किया है। आने वाले दिनों में तापमान बदलाव की बात करें तो आज उत्तर पश्चिम भारत में हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 फरवरी तक मध्य भारत के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि और उसके बाद 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की अनुमान है। 12 फरवरी को गुजरात और महाराष्ट्र में न्यूनतम तापमान में एक बड़ा बदलाव होने की संभावना है और उसके बाद धीरे धीरे न्यूनतम तापमान में से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 से 5 दिनों तक देश के बाकी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश में फरवरी तक ठंड का असर बरकरार रहने वाला है। हालांकि आज न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं आज उत्तर प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके असर से पारे में फिर से वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं आने वाले दिनों में एक बार फिर ठंड का असर कुछ हद तक बढ़ सकता है। 10 फरवरी तक तापमान में गिरावट का सिलसिला बना रहेगा, उसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में फिर बढ़ोतरी होने लगेगी। वहीं आपको बताते चले एमपी मौसम विभाग की माने तो आज नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके कारण 9 और 10 फरवरी से कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान है। 9 और 10 फरवरी को दिन और रात का ठंड का असर कम तो 11 फरवरी के बाद ज्यादा दिख सकता है। तापमान में उतार चढ़ाव का दौर 10 फरवरी तक जारी रहेगा, इसके बाद तापमान में उछाल आना शुरू हो जाएगा। वहीं फरवरी में दिन रात का पारा बढ़ने लगेगा, इससे हल्की सर्दी रहेगी। 13 फरवरी तक मध्य प्रदेश का मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मौसम की ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।